हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद सेंटिनल आइलैंड की, जो सभी के लिए अभी तक एक रहस्य है। कहा जाता है जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस द्वीप पर पहुंचने का प्रयास किया वो जिंदा नहीं लौटा। आपको बता दें कि एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एनलसाहू, जिसने इस प्रतिबंधित आइलैंड में पहुंचने की कोशिश की, तो सेंटिनल आइलैंड में मौजूद आदिवासियों ने जॉन को तीर मारकर मार गिराया। यह द्वीप अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहते हैं। इस टापू पर एक बेहद खतरनाक जनजाति रहती है, जिन्हें सेंटिनिलेस कहा जाता है। भारत सरकार ने इस टापू को पूर्णतः प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ रहने वाली जनजाति ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया से इसका संपर्क जीरो है। यहाँ की जनजाति बाहरी दुनिया के लोगों से हिंसकतापूर्ण व्यवहार करती है। ये लोग आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का स्वागत तीरों और पत्थरों से करते हैं। यह टापू इतना खतरनाक है कि समुद्र में जाने वाले मछुआरे भी इस टापू के समीप गलती से भी नहीं आते। बता दें, ये जनजाति देश दुनिया से इस कदर कटी हुई है कि इसके बारे में या इसकी सभ्यता के बारे में किसी को भी नहीं पता।